हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। यह एक वेब सर्वर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा प्रोवाइडेड है। तो आज हम देखेंगे कि वेब सर्वर क्या है, व्हाट इज़ IIS, वर्जन्स कौन कौन से अवेलेबल हैं IIS के, और जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज़ IIS 10, उसके क्या फीचर्स हैं, होम एंड वर्चुअल डायरेक्ट्री क्या होती है, लॉग फाइल्स, पोर्ट्स, सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट की जाती है एक वेब सर्वर में, और उसको इंस्टॉल करने के स्टेप्स एंड कैसे हम उसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सब आज हम स्टडी करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि वेब सर्वर क्या है। तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो कि वेबसाइट्स को स्टोर करता है तथा HTTP रिक्वेस्ट को सर्व करता है। वेब सर्वर्स आर कंप्यूटर्स यूज टू स्टोर HTTP फाइल्स विच मेक्स अ वेबसाइट, जो HTTP रिक्वेस्ट को सर्व करता है। तो रिक्वेस्ट को DNS के माध्यम से रिजॉल्व करते हुए जिस वेब सर्वर में वेबसाइट स्टोर्ड होती है वहाँ भेजा जाता है, तथा वेब सर्वर उसका रिस्पॉन्स फिर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या वेब पेज की फॉर्म में देता है। लेट्स सी, जैसे वेब ब्राउज़र से क्लाइंट ने, यूज़र ने सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी। वेब ब्राउज़र पर आपने सपोज़ कोई वेबसाइट ओपन करी google.com, तो क्या होगा, इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, वेब सर्वर में। यहाँ से इंटरनेट डिनोट कर रहा है यूजिंग DNS सर्वर। DNS सर्वर से IP एड्रेस रिजॉल्व होके जो भी गूगल का आपका नियरेस्ट वेब सर्वर होगा वहाँ से रिक्वेस्ट जाती है। फिर वहाँ से रिस्पॉन्स, जो भी सर्च किया है उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स पेज वापस यूजिंग DNS क्वेरी आपके ब्राउज़र तक आती है। तो इस तरीके से एक वेब सर्वर वर्क करता है। अब देखते हैं कि वेब सर्वर्स के एग्जांपल्स क्या हैं, यानी कौन कौन से वेब सर्वर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले नंबर वन IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी कहते हैं इसे, और इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर भी, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइडेड सर्वर है। सेकेंड अपाचे HTTP सर्वर, यह दुनिया का में लार्जेस्ट यूज होता है, नंबर वन, क्योंकि ये ओपन सोर्स वेब सर्वर भी है। लाइट TPD, उसके बाद सन जावा सिस्टम वेब सर्वर, सन सिस्टम्स ने बनाया है। कुछ दूसरे वेब सर्वर्स हैं जो कि यूज होते हैं, उन फॉर एग्जांपल जिक्सॉ सर्वर एंड इंजन एक्स इज आल्सो ए वेब सर्वर। नाउ व्हाट इज IIS? IIS stands for Internet Information Services or Internet Information Server. IIS जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया वेब सर्वर है, hosts websites, web applications and services needed by users or developers. अगर हम जो यूजेज की बात करें तो यह पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्वर अपाचे सर्वर है, जो कि ओपन सोर्स सर्वर होता है। इट इज़ यूज टू लॉन्च वेबसाइट्स इन इंट्रानेट एंड इंटरनेट। ये इंट्रानेट यानी कि आपका लोकल नेटवर्क, और इंटरनेट यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, दोनों में वेबसाइट्स को लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है। IIS कैन बी कन्फिगर्ड इन द डोमेन और वर्क ग्रुप नेटवर्क। डोमेन नेटवर्क में भी कॉन्फ़िगर होता है, एंड वर्क ग्रुप नेटवर्क में भी इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे इंटरनल कोई वर्क ग्रुप है, इंटरनल आपको टेस्टिंग के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी, कस्टमाइजेशन एंड फिल्टरिंग आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ IIS। अदर फीचर्स क्या क्या हैं IIS के, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन करना, कस्टमाइजेशन करना और फिल्टर करना, ट्रैफिक फिल्टरिंग। अब हम देखते हैं कि IIS के वर्जन्स कौन कौन से हैं। विंडोज़ के साथ साथ ही बेसिकली IIS का भी विकास हुआ है। IIS के अर्ली वर्जन्स विंडोज़ NT के साथ आने स्टार्ट हुए थे। तो IIS 1 अपीयर्ड विद विंडोज़ NT 3.51 एंड इवॉल्व थ्रू IIS 4 विद विंडोज़ NT 4। तो विंडोज़ NT 4 के साथ IIS 4 वर्जन था। उसके बाद IIS 5 विंडोज़ 2000 के साथ आया, IIS 6
आपका लॉन्च हुआ विंडोज सर्वर 2003 के साथ, IS 7 विंडोज सर्वर 2008 में अवेलेबल है। IS 6 एंड IS 7 में के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। IS 7 में काफ़ी नए फीचर्स जो है लॉन्च किए गए हैं। उसके बाद IS 7.5 वर्जन 2008 की रिलीज 2 के साथ आया। नेक्स्ट इज़ IS 8 जो कि विंडोज सर्वर 2012 के साथ अवेलेबल है। IS सिमिलरली 8.5 2012 रिलीज 2 वर्जन के साथ आता है। एंड मोस्ट रिसेंटली जो करंट आपका वर्जन है दैट इज़ IS 10 जो कि विंडोज सर्वर 2012 ऑनवर्ड्स बेसिकली यूज़ हुआ, 2016 और विंडोज 10 और 2019 में भी ये यूज़ होता है। तो अब देखते हैं कि फ़ीचर्स कौन कौन से हैं IS 10 के। कुछ नए फीचर्स जो कि IS 10 में हैं, एड सपोर्ट फॉर द HTTP 2 प्रोटोकॉल टू ऑफर मोर एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ कंपेयर टू HTTP 1.1। तो IS 10 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बहुत से नए फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल यह HTTP 2 प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है जिससे कि हम रिसोर्सेज को ज़्यादा एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू HTTP 1.1 वर्जन। इट वर्क्स ऑन नैनो सर्वर अंडर विंडोज सर्वर 2016। विंडोज सर्वर 2016 में नैनो सर्वर का कॉन्सेप्ट है तो ये नैनो सर्वर की तरह वर्क करता है। नैनो सर्वर जो कि एक मिनिमल सर्वर डिप्लॉयमेंट मेथड है बेसिकली, और इसमें ASP.NET कोर, अपाचे, टॉमकैट तथा PHP रन कर सकते हैं। इट वर्क्स इन ए कंटेनर एंड वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट जिससे कि डेवलपर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को डिप्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अगर ये सर्वर आपके कंटेनर मोड में या वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट में रन करें। वेब एप्लीकेशंस की एक ब्रॉड रेंज को एकोमोडेट कर सकते हैं, करना पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए, वो भी एक जो है इसका बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट लेट सी होम और वर्चुअल डायरेक्टरी। सबसे पहले होम डायरेक्टरी। तो होम डायरेक्टरी क्या होती है? होम डायरेक्टरी इज अ शेयर फोल्डर दैट स्टोर्स वेबसाइट कंटेंट्स। बेसिकली होम डायरेक्टरी एक शेयर फोल्डर होता है जिसमें वेबसाइट डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ASP पेजेस, HTML पेजेस, पिक्चर्स, ग्राफिक्स और एनिमेशंस वगैरह। एक ही सर्वर पर हॉस्टेड अलग अलग वेबसाइट्स के लिए सेपरेट होम डायरेक्टरीज बनाई जाती हैं। जैसे सर्वर तो एक ही होता है, उस पर मोर देन वन वेबसाइट्स स्टोर हो सकती हैं, तो सभी वेबसाइट्स की अपनी अपनी होम डायरेक्टरी होती है जिसमें उनका कंटेंट स्टोर रहता है। अ वर्चुअल डायरेक्टरी इन IIS मैप्स टू ए फिजिकल डायरेक्टरी ऑन ए सर्वर। अब हम देखते हैं वर्चुअल डायरेक्टरी क्या होती है। तो वर्चुअल डायरेक्टरी जो कि IIS में स्पेसिफाई की जाती है, IIS को कन्फिगर करते हुए हम वर्चुअल डायरेक्टरी को मेंशन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, वह आपको सर्वर पर स्थित फिजिकल डायरेक्टरी से मैपिंग करती है। तो सिमिलरली जैसे कि उसी तरीके से बिल्कुल जैसे कि DNS एक URL की IP एड्रेस से मैपिंग करने के लिए यूज़ होता है, उसी तरीके से वर्चुअल डायरेक्टरी IIS के अंदर सर्वर पे स्थित फिजिकल डायरेक्टरी से मैपिंग करती है। इन IIS 6 वर्चुअल डायरेक्टरीज एंड एप्लीकेशंस वर कंसीडर्ड टू बी सेपरेट ऑब्जेक्ट्स इवन दो दे वर द सेम थिंग। IIS 6 में वर्चुअल डायरेक्टरीज और एप्लीकेशंस सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं जबकि उनका कार्य जो है वो लगभग सेम है। इन IIS 7 एंड अबव वर्चुअल डायरेक्टरीज एंड एप्लीकेशंस आर सेपरेट ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन इन दैट मैनर। जबकि IIS 7 में दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं तथा अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। दे एग्जिस्ट इन अ हायरार्किकल रिलेशनशिप। दोनों के बीच हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है, जैसे हायरार्किकल मतलब ट्री लाइक रिलेशनशिप होता है। एक वेबसाइट में एक या एक से ज़्यादा एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है? तो एक एप्लीकेशन में एक या एक से ज़्यादा वर्चुअल डायरेक्टरीज होती हैं। फिर एक वर्चुअल डायरेक्टरी सर्वर पे स्थित फिजिकल डायरेक्टरी से मैप की जाती है। तो इस तरीके से ये एक हायरार्किकल वे में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज द टॉपिक इज लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स क्या होती हैं?
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं जो कि सर्वर पर क्रिएट की जाती हैं. तो लॉग फाइल्स रिकॉर्ड वेरियस एक्शंस ऑन योर सर्वर. तो बेसिकली सर्वर पे होने वाले जितने भी एक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन सबका रिकॉर्ड लॉग फाइल के माध्यम से रखा जाता है. दे आर टिपिकली लोकेटेड एट सिस्टम रूट /32/logfiles. ये पाथ है जहाँ से ये सब लॉग फाइल्स स्टोर होती हैं, लॉग फाइल्स फोल्डर के अंदर स्टोर होती रहती हैं. तो लॉग फाइल्स से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है. इट विल शो एवरीथिंग फ्रॉम द डेट एंड टाइम समथिंग अकर्ड टू व्हाट आईपी एड्रेस एंड हाउ मच डेटा वाज सेंट बोथ टू एंड फ्रॉम योर सर्वर. जैसे कि कोई इवेंट, कोई घटना सर्वर में किस डेट को और किस समय हुई, कौन सा आईपी एड्रेस था जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी, और कितना डेटा आपके सर्वर से आया या गया, तो ये सभी जानकारी आपको लॉग फाइल के माध्यम से मिल जाती है. इन द आउटपुट द डेटा वाज नॉट रिकॉर्डेड एंड यू मे नीड टू एडजस्ट द सर्विस इफ़ यू नीड दिस इन्फॉर्मेशन. अगर आप डेटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्या डेटा गया या क्या डेटा आया या उसकी फर्दर और डिटेल्स, तो उसके लिए आपको सर्विस में थोड़ा एडजस्टमेंट करना होता है, जो भी पर्टिकुलर सर्विस है एप्लीकेशन की. नेक्स्ट इज पोर्ट्स. टिपिकली योर सर्वर विल यूज पोर्ट 84 HTTP ट्रैफिक. वेब सर्वर के केस में एक वेब सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 यूज़ करता है HTTP ट्रैफिक के लिए. ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है जो सभी को पता होता है. तो अगर हम डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ करके अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर पे रन करते हैं तो सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं, अटैक हो सकता है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरी क्या बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप पोर्ट नंबर 80 यूज़ करें. सिक्योरिटी पर्पज़ से पोर्ट नंबर 80 के बजाय आप कोई भी पोर्ट नंबर, दूसरा पोर्ट चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाकर. तो चेंज कैसे करते हैं? चेंजिंग ए पोर्ट विद इन IS 7 to 10 इज सिंपल. IS 7 से लेके IS 10 के तक के केस में एक पोर्ट को चेंज करना बहुत ही आसान है. जस्ट ओपन इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस मैनेजर, उसके बाद सेलेक्ट द वेबसाइट दैट यू वॉन्ट टू चेंज एंड इन एक्शन पेन सेलेक्ट बाइंडिंग्स. एक्शन पेन में जाके बाइंडिंग्स को सेलेक्ट करें, देन क्लिक ऐड टू ऐड ए न्यू साइट बाइंडिंग. देन ऐड पे क्लिक करेंगे नई साइट बाइंडिंग को ऐड करने के लिए, और क्लिक एडिट टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग बाइंडिंग. एग्जिस्टिंग बाइंडिंग अगर है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे, एंड फाइनली क्लिक ओके टू अप्लाई द चेंजेस. और जो भी चेंजेस करने हैं वो अप्लाई करके फाइनली क्लिक ओके. दैट्स द सिंपल वे जिससे हम पोर्ट चेंज कर सकते हैं IS 7 से लेके IS 10 के अंदर. अब हम देखते हैं सिक्योरिटी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे एक सर्वर में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की जाती है. किसी भी सर्वर में देखो, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने को हम सर्वर हार्डनिंग कहते हैं. तो सर्वर में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे हम सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? सम ऑफ द वेज टू हार्डन विंडोज IIS इंक्लूड: नंबर 1, अपडेट रेगुलरली विद ऑल सिक्योरिटी पैचेस. तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करना, जिससे कि जितने भी सिक्योरिटी पैचेस जो भी अवेलेबल हैं वो रेगुलरली इंस्टॉल होते रहें, ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सेकेंड इज डिसेबल अनयूज्ड फीचर्स और सर्विसेज ऑफ IIS. IIS वेब सर्वर में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं. ज़रूरी नहीं कि आप सभी सर्विसेज या फीचर्स आपके एट ए टाइम आप यूज़ कर रहे हैं. तो जो भी अनयूज्ड फीचर्स हैं या अनयूज्ड सर्विसेज हैं, उन सबको डिसेबल रखना चाहिए. क्योंकि कोई भी ऐसी सर्विस जो कि यूज़ में नहीं है और अगर वो रन कर रही है तो उसके थ्रू भी जो हैकर होते हैं वो सर्वर तक एक्सेस ले सकते हैं. नंबर 3, इम्प्लीमेंट फायरवॉल्स. ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फायरवॉल्स को इम्प्लीमेंट करना सिक्योरिटी के पर्पस से, जिससे कि आप ये इंश्योर कर सकें कि कोई भी अनवांटेड ट्रैफिक आपके सर्वर तक ना आए. नेक्स्ट इज कंट्रोल विच आईपी एड्रेस एंड डोमेन कैन एक्सेस द वेब सर्वर. कौन सा आईपी एड्रेस और डोमेन वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है? इसका मतलब है कि ये कंट्रोल करना कि कौन कौन सा आईपी
एड्रेसेस या डोमेन्स वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई एनिमी कंट्री है, सपोज़ कोई कंट्री है जो कि एनिमी कंट्री है, और आप चाहते हैं कि उस कंट्री के नेटवर्क से कोई आपका सर्वर एक्सेस ना करे, तो उसके लिए पर्टिकुलरली उस कंट्री के डोमेन को या आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक किया जा सकता है. तो अगर आप वो डोमेन और आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ से कोई भी आपके सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकेगा. तो ये सारे कंट्रोल्स हैं आईपी एड्रेस एंड डोमेन से रिलेटेड. नेक्स्ट इज़ यूआरएल ऑथराइजेशन. इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी द्वारा किसी प्रोडक्ट या वेब डेवलपमेंट के चलते, अभी सपोज़ कोई प्रोडक्ट है या कोई वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है जो कि डेवलपमेंट मोड में है, तो उसके किसी पर्टिकुलर वेब पेज को सिर्फ उसके स्पेसिफिक क्लाइंट्स को शो करना है कि उसके सिर्फ क्लाइंट्स ही एक्सेस कर सकें, या ये सिक्योरिटी रीजन से भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे वेब बैंक की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, तो बैंक का जो सिस्टम है तो उनकी जो एप्लीकेशन है तो जो उनके बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं वही उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई दूसरा जनरल यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर पाए, तो उस केस में यूआरएल ऑथराइजेशन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है लॉगिंग. हमारा लॉगिंग टू व्यू द विजिटर्स एक्सेसिंग द वेब सर्वर. लॉगिंग हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है हमने. लॉगिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका जो है सिक्योरिटी पर्पस से, ये देखने के लिए कि वेब सर्वर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, किस टाइम हुई है, कौन कौन से विजिटर्स ने आपके सर्वर को एक्सेस किया है, किस आईपी एड्रेस से और किस नेटवर्क से एक्सेस लिया गया है. नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर द एरर पेज. फाइनली जो अगर सपोज़ किसी इशू के आने पर जो एरर पेज डिस्प्ले होता है वेबसाइट पे, तो वो सिर्फ रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करे, वो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज़र को ना दे. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एरर पेज के केस में, कोई सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज़र तक नहीं जानी चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड्स, आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर और एनी अदर इन्फॉर्मेशन. सपोज़ यही इन्फॉर्मेशन के सर्वर कौन सा आईएस का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन होता हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एरर पेज पे नहीं जानी चाहिए. अगर ये सब एरर पेज पे चली जाती हैं तो हैकर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है, उसके लिए बड़ी यूज़फुल हो जाती हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सर्वर को हैक करने के लिए. अब हम देखते हैं इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीजर ऑफ IIS. IIS 7 के केस में ASP.NET बेसिकली सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है इंस्टॉलेशन के लिए, तथा IIS के साथ हम FTP भी उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं. सबसे पहले जो स्टेप दिया हुआ है इंस्टॉल करने के लिए IIS, ये विंडोज़ 2003 के केस में हम देखते हैं कैसे. कंट्रोल पैनल, देन एड रिमूव प्रोग्राम, एड रिमूव विंडोज़ कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन सर्वर पे जाएंगे, फिर देन सेलेक्ट IIS, नेक्स्ट और फिनिश. तो इस तरीके से IIS आपका इंस्टॉल हो जाएगा. विंडोज़ 2008 के केस में स्टेप है सर्वर मैनेजर, देन रोल्स, देन एड रोल्स, सेलेक्ट IIS, देन नेक्स्ट एंड फिनिश. उसके बाद फिर क्या करना होता है, क्रिएट HTML पेज और वेब पेज फॉर टेस्टिंग एंड कॉपी इन ए शेयर फोल्डर, दैट इज़ होम डायरेक्ट्री. अपना HTML पेज या वेब पेज टेस्टिंग पर्पस के लिए क्रिएट करके उसको शेयर फोल्डर में, होम डायरेक्ट्री में कॉपी कर दें. देन प्रोग्राम पे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, IIS साइट ऑप्शंस, राइट क्लिक, देन न्यू वेबसाइट, गिव डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल इंडिया, ये वर्चुअल डायरेक्ट्री का नाम है जो कि आप IIS में स्पेसिफाई कर रहे हैं. देन पाथ ऑफ होम डायरेक्ट्री, जहाँ से वर्चुअल डायरेक्ट्री मैप्ड है आपके शेयर फोल्डर का पाथ. देन हॉस्ट हेडर, गिव वेबसाइट नेम एंड आईपी एड्रेस हेयर, एंड देन क्लिक ओके. उसके बाद वी विल गो टू IIS, देन वर्चुअल डायरेक्ट्री इंडिया इन दिस केस, डॉक्यूमेंट्स, रिमूव डिफॉल्ट ASP एंड HTML पेजेस. बाय डिफ़ॉल्ट IIS वेब सर्वर में कुछ जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के लिए जो पेजेस होते हैं उनको हमें रिमूव करना होगा. एंड ऐड योर HTML पेज, और उसके बाद अपना HTML पेज ऐड करें, देन ओके. देन प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, DNS, फॉरवर्ड लुकअप जोन, अब यहाँ हम DNS कन्फिगर कर रहे हैं, DNS में एंट्री करेंगे. राइट क्लिक, स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन, जोन नेम यानी कि वेबसाइट नेम आपका, देन नेक्स्ट एंड फिनिश. उसके बाद DNS पे जाएंगे, जोन, वेबसाइट, प्रॉपर्टीज, नेम सर्वर टैब,
remove name of DNS server, add and server name यानी website name and then okay then refresh. तो ये सारे steps हैं, आप note कर सकते हैं Windows 2003, 2008 के केस में कैसे आप IIS install करेंगे और उसको configure कैसे करेंगे. इसके बाद हाउ टू इंस्टॉल IIS इन वेब सर्वर 2012 onwards. अभी हम देखते हैं कि 2012 या उसके बाद वाले विंडोज सर्वर्स में कैसे हम IIS को इंस्टॉल कर सकते हैं. प्रेस द विंडोज़ की एंड सेलेक्ट सर्वर मैनेजर. ये तरीका है आपका सर्वर मैनेजर के माध्यम से आप कैसे इंस्टॉल करेंगे. सर्वर मैनेजर में डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, देन ऐड रोल्स एंड फीचर्स, देन क्लिक इंस्टॉलेशन टाइप. उसके बाद सेलेक्ट करेंगे रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन ऑप्शन एंड देन क्लिक नेक्स्ट. इसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट द सर्वर ऑन विच IIS विल बी इंस्टॉल्ड एंड क्लिक नेक्स्ट. उसके बाद एक्टिवेट द वेब सर्वर, IIS रोल को एक्टिवेट करेंगे, देन क्लिक ऐड फीचर्स टू ऐड द IIS मैनेजमेंट कंसोल. उसके बाद क्लिक नेक्स्ट, द सेलेक्ट फीचर विंडो विल ओपन. अगेन क्लिक नेक्स्ट, द वेब सर्वर रोल IIS विंडो विल ओपन. उसके बाद अगेन क्लिक नेक्स्ट, द सेलेक्ट रोल सर्विस विंडो विल ओपन. देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड रोल सर्विस एंड क्लिक नेक्स्ट टू इंस्टॉल द सेलेक्टेड रोल्स सर्विसेज एंड फीचर्स. उसके बाद क्लिक क्लोज टू कम्प्लीट द इंस्टॉलेशन. ये सारा तरीका है विंडोज़ वेब सर्वर 2012, 16 and 19 के लिए. कन्फिगर कैसे करेंगे देखते हैं. टू कन्फिगर IIS यूजिंग द सर्वर मैनेजर, सर्वर मैनेजर की हेल्प से आप कैसे कन्फिगर करेंगे. आप सर्वर मैनेजर पर जाएंगे एंड सेलेक्ट इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज IIS मैनेजर फ्रॉम द टूल्स मेन्यू. उसके बाद क्लिक ऐड वेबसाइट, फिर अपनी वेबसाइट को उसमें ऐड कर देंगे. स्पेसिफाई एट लीस्ट द साइट नेम एंड पाथ. आप साइट नेम का पाथ, साइट नेम और उसका पाथ देंगे. क्लिक देन ओके, द फर्स्ट साइट इज़ रेडी टू बी एक्सेस. जिस तरीके से आपकी पहली साइट एक्सेस के लिए रेडी है. हाउ टू चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स. जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जो बाई डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं जब आप IIS इंस्टॉल करते हैं तो आपको उन्हें बेसिकली चेंज करनी होती हैं. तो उसके लिए लॉग ऑन टू वेब सर्वर कंप्यूटर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप लॉग ऑन करेंगे. क्लिक स्टार्ट, पॉइंट टू सेटिंग्स एंड देन क्लिक कंट्रोल पैनल. देन डबल क्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स एंड डबल क्लिक IIS मैनेजर, इंटरनेट सर्विस मैनेजर. उसके बाद राइट क्लिक वेबसाइट टू बी कन्फिगर्ड इन द लेफ्ट पेन. जो भी वेबसाइट लेफ्ट पेन में आपको नजर आएगी उस पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, देन क्लिक ऑन वेबसाइट टैब. टाइप ए डिस्क्रिप्शन फॉर द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर आप डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे. तो ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली इंटरनली IIS मैनेजमेंट कंसोल में इंटरनली दिया जाता है रिफाइन करने के लिए. टाइप द IP एड्रेस टू यूज़ फॉर द वेबसाइट और लीव ऑल अनअसाइंड डिफॉल्ट सेटिंग्स. उसके बाद IP एड्रेस देंगे और बाकी सब आप डिफॉल्ट सेटिंग्स को एज इट इज़ छोड़ देंगे. देन मॉडिफाई द TCP पोर्ट जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो पोर्ट है, जो कि पोर्ट नंबर 80 बाई डिफॉल्ट होता है, आप उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं. क्लिक द होम डायरेक्टरी टैब टू यूज़ अ फोल्डर ऑन द लोकल कंप्यूटर. क्लिक अ डायरेक्ट्री ऑन दिस कंप्यूटर एंड देन क्लिक ब्राउज टू लोकेट द फोल्डर दैट यू वॉन्ट टू यूज़. यहाँ आप जो है जो भी फोल्डर एज ए होम डायरेक्ट्री आपको यूज़ करना है अगर तो उसको चेंज कर सकते हैं. टू यूज़ अ फोल्डर दैट हैज़ बीन शेयर्ड फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, जो कि दूसरे कंप्यूटर पे नेटवर्क में शेयर है, उसको यूज़ करने के लिए क्लिक अ शेयर लोकेटेड ऑन अनदर कंप्यूटर एंड देन आइदर टाइप द नेटवर्क पाथ और क्लिक ब्राउज टू सेलेक्ट द शेयर्ड फोल्डर. उसके बाद देन क्लिक रीड टू ग्रांट रीड एक्सेस टू द फोल्डर एंड क्लिक ओके टू एक्सेप्ट द वेबसाइट प्रॉपर्टीज. इस तरीके से आपके डिफॉल्ट सेटिंग्स, जो भी सेटिंग्स आपको करनी है, उसमें चेंज हो जाती हैं. देन क्रिएट अ न्यू वेबसाइट इन IIS. लॉग ऑन टू वेब सर्वर कंप्यूटर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. क्लिक स्टार्ट, पॉइंट टू सेटिंग्स एंड देन क्लिक कंट्रोल पैनल. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे डबल क्लिक करेंगे आप. देन इंटरनेट सर्विस मैनेजर पे डबल क्लिक करेंगे सिमिलरली जैसे कि पहले भी किया है. इसके बाद फिर क्लिक एक्शन, पॉइंट टू न्यू एंड देन क्लिक वेबसाइट. विजिट स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. टाइप ए डिस्क्रिप्शन फॉर द वेबसाइट. आइडेंटिफाई द वेबसाइट इन इंटरनेट सर्विस मैनेजर. सेलेक्ट द IP एड्रेस टू यूज़ द साइट. वही सेम है, IP एड्रेस देंगे साइट को यूज़ करने के लिए. ठीक है, तो टाइप TCP पोर्ट नंबर टू पब्लिश ऑन द साइट. उसके बाद होस्ट हेडर नेम देंगे. देन क्लिक नेक्स्ट, आइदर टाइप द पाथ टू द फोल्डर दैट इज होल्डिंग द वेबसाइट डॉक्यूमेंट और क्लिक ब्राउज टू सेलेक्ट द फोल्डर एंड देन नेक्स्ट. उसके बाद सेलेक्ट एक्सेस परमिशंस फॉर द वेबसाइट एंड क्लिक
नेक्स्ट एंड फिनिश, उसके बाद जो वेबसाइट की एक्सेस परमिशंस आप सेट करेंगे और फिर नेक्स्ट एंड फिनिश, दैट्स ऑल। ये हैं हमारे रेफरेंसेस जो आप यूज़ कर सकते हैं IIS की स्टडी के लिए। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि एक वेब सर्वर क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि होम डायरेक्टरी क्या होती है, वर्चुअल डायरेक्टरी क्या है, लॉग फाइल्स, पोर्ट, सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को कैसे चेंज करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट IIS का इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन विंडोज़ सर्वर 2003 से लेकर विंडोज़ सर्वर 2016 तक, यानी कि IIS 10 तक क्या क्या स्टेप्स हैं जो आप यूज़ करके उसको इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू।